सो दिस इज़ ट्यूटोरियल रिज़ल्ट। जो उस दिन मैंने ये टेक्सचर बनाया था बहुत पहले, ये मैंने तभी बनाया था और मैं अब इसकी क्रम्बलिंग कर रही हूँ। ये इसकी शेप ऐसे ख़राब इसलिए होगी हवा की वजह से, क्योंकि ये टेक्सचर बहुत सॉफ्ट था और हवा की वजह से इसकी शेप ख़राब हुई, क्योंकि बिल्कुल ऐश ही है, इसमें सैंड कम है, ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसमें और सैंड डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सही रहे, क्योंकि बहुत उड़ भी रहा है, क्योंकि बहुत फाइन है, एकदम हल्का टेक्सचर है, देखिए ऐसे उड़ रहा है ना। तो मैं इसमें थोड़ी सी सैंड ऐड करके इसकी दोबारा शेप्स बनाती हूँ। तो इसमें मैं 3 kg है शायद ये, है ना, हाँ 3 kg है मैं, और इसमें इस सैंड ऐड कर रही हूँ। क्या इसको मिक्स कर लेते हैं, एकदम फ्रेश सैंड है जो मैंने नहीं मंगाई थी। मेला देखने आई हो क्या है? इसमें मुझे सैंड कम लग रही है तो मैं और ऐड करूँगी इसमें, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं। इसमें मुझे सैंड कम लग रही है इसलिए मैं इसमें और डाल रही हूँ। तो इसमें मैं अब दूसरी सैंड ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें और सैंड ऐड कर लिया, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए इसमें कोयला भी बड़ा है। पानी भी चाहिए बाकी पानी है। हाँ आधी भरी हो बस, ऊपर देखिए कितना गंदा लगता है, पानी बेहद ठंडा है। वेरी गुड, बच्चे आते हैं क्या? तो मैं इसमें अब ये और शिफ्ट करके मैंने सैंड लाया ऐसे। सुचो मिक्स कराओ उसको, मैं यहाँ से मिक्स कर रही हूँ, यहाँ से करो। एक तो इस टेक्सचर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो मिक्स करने में भी हालत ख़राब हो जाती है, ऊपर से पानी इतना ठंडा सिर में लग रहा है।
तेरा भी जी कर रहा है। दादी ने खा लिया बेचारा, दादा ही भूत लग रहा है। पानी वाटर देना है उड़ा मत से रिक्शो। इसको मिक्स करने में भी बहुत टाइम लगेगा, सो पहले इसको देखना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको कैमरे में पता नहीं लग रही है कि नहीं। इसको भी मिक्स करते क्योंकि इसमें पानी की भी बहुत नीड होती है, तो पानी अभी हमने डाला कि वो कम लग रहा था। इसके हम सोचे कोई बड़ी सी शेप बना देंगे। ट्यूटोरियल दे दिया था प्योर एश एंड सैंड का, बस जो मैंने इसमें कुछ और ऐड किया है उसका मैंने आपको दिखा दिया। ओके बाय बाय, अब हम इसकी कोई बड़ी सी शेप बना देंगे। बाय बाय संजय, बाय कर दो बाय। जिस मिक्सर मेरी हेड पर रहेंगे उसका भाई है।